माई चैनल द ब्लश गर्ल एंड आई एम रिया. सो गाइज, टूडे आई हैव क्रिएटेड दिस लुक अकॉर्डिंग टू माई जोएडिक साइन कलर. सो आई विल मैंशन दैट ऑन माई स्क्रीन. सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल लुक टर्न इन टू ए ग्लैम पिंकी सा लुक. सो आई होप सो आपको ये लुक पसंद आएगा. अगर पसंद आएगा तो जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कीजिए. एंड कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगा. तो चलिए वीडियो देखते हैं. यहाँ पर मैंने टोनर लिया है और ये आर्ट्स कॉर्नर का टोनर है. इसको मैं मेरे फेस पे अच्छे से टैप कर ले रही हूँ. देन मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए लिया है आर्ट्स कॉर्नर का डे क्रीम. इसको भी अच्छे से फेस में लगा लूँगी. अभी मैंने मालियो का आईब्रो मेट लिया है. ब्राउन कलर में आता है और इससे मैं मेरे आईब्रोज फिलिंग कर ले रही हूँ. सो अभी डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर मैंने लिया है और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं आईब्रोज को क्लीन कर ले रही हूँ और आईलिड को भी प्राइम करूँगी सेम कंसीलर की हेल्प से, क्योंकि हमें आई मेकअप करने के लिए इजी होगा हमें. अभी मैं एक डांस पर्स ले रही हूँ और इसके हेल्प से डेवलप कर ले रही हूँ एक्सेस को. अभी मैंने ब्लश लिया है पिंक कलर का, लिप नहीं आई है इसमें, और एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरह. मैंने पिंक कलर का ब्लश लिया है क्योंकि बिगिनर्स के पास अगर पैलेट नहीं होगा तो ब्लश के हेल्प से आप कर सकते हैं. तो कुछ इस तरह मैं ब्लश के हेल्प से पिंक कलर के हेल्प से क्रीज पर लगा रही हूँ. अभी मैंने ये न्यू गर्ल का पैलेट लिया है जिसमें बहुत ही प्यारे से शिमर शेड्स हैं और अभी मैं इसमें से एक पर्ल शेड ले रही हूँ जो मेरे ड्रेस से और मैच हो रही है. तो इस पर्ल शेड को मैं लगा रही हूँ हाफ आईलिड पे. तो कुछ इस तरह पूरे आईलिड पे लगा लूँगी मैं. एंड या अभी मैंने यहाँ पर आईलाइनर लिया है एनवाइबे का. ये मैट फिनिश वाला आईलाइनर है और मैं बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊंगी, जस्ट पतली लाइन लगा के एक हल्का सा विंग ड्रॉ करूंगी. अभी मैंने मस्कारा अप्लाई किया है अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन को भी. अभी मैंने प्राइमर के लिए लिया है एनवाइबे का प्राइमर जो एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और बहुत ही अच्छा प्राइमर है और मेरा फेवरेट प्राइमर है ये. एंड अफोर्डेबल भी है. ये पोर्स को बहुत ही इजीली फिलिंग कर देता है और बहुत ही अच्छी स्मूथ सी फिनिश देता है. तो मैं टी जोन पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ. अभी फिटमी का फाउंडेशन लिया है मैंने, मेबलिन फिटमी का. शेड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. और इसमें मैंने ये गुड वाइब्स का सीरम मिक्स किया है जिससे फाउंडेशन केकी नहीं लगता, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. तो इसीलिए मैं कुछ इस तरह ले रही हूँ एंड पूरे फेस पर लगाऊंगी. अभी एक डैंक पंच के हेल्प से मैं पूरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. अब देख सकते हैं आपको डैप टैप ही करना है जिससे फाउंडेशन बहुत इजीली ब्लेंड होता है और जो सीरम हमने ऐड किया था उससे बहुत अच्छी शाइन भी आ रही है फेस पे. देन कंसील करने के लिए डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर लिया है मैंने. शेड्स सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी. तो मेरे हायर पॉइंट्स पर मैं लगा लूँ एंड एक डैम स्पंज के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी. एलेटिंग की पाउडर लिया और एक पाउडर ब्रश के हेल्प से मैं कंसीलर को अच्छे से सेट कर रही हूँ. जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहीं मैं सेट कर रही हूँ.
अभी एक फ्लैट ब्रश पर मैंने सेम पिंक शेड ली है, जो ब्लश मैंने बोला पिंक ब्लश लिया है, और मैंने लोअर लैश लाइन को लगाया। एंड अभी मैंने लिया है NYB का कंसीलर, सॉरी NYB की काजल। एंड अभी मैं वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई करूँगी, बहुत ही पिगमेंटेड काजल है और आप देख सकते हो ये है फाइनल लुक। एंड अभी पर्पल की मैंने ये काजल ली है, तो इन द शेड ब्रॉन्ज आई थिंक, तो इसको लेके मैं मेरे इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। तो ये भी स्मच प्रूफ काजल है। अभी मैं कॉन्टूर करूँगी मेरे SFR कलर के पैलेट में से कॉफी शेड लेके। जॉ लाइन फॉरहेड पर और नोज पर भी मैं कॉन्टूर कर रही हूँ, थोड़ी शार्प रख के मैंने की है कॉन्टूरिंग। आप देख सकते हैं थोड़ी शार्प कॉन्टूरिंग की है मैंने। और मेरी साइन है लिब्रा, तो लिब्रा के लिए मुझे आया था बेबी पिंक कलर, इसीलिए मैं हाइलाइटर को भी बेबी पिंक कलर सा एक हाईलाइट शेड है उसका अप्लाई कर रही हूँ। तो पूरा मैं मेकअप ड्रेस सब कुछ बेबी पिंक ही रखना था, तो आप देख सकते हैं मैंने गाउन भी बेबी पिंक कलर का पहना है और मेकअप भी कुछ उस तरह ही करने की ट्राई कर रही हूँ मैं। सो अभी आप देख सकते हैं ये वाला ब्लश मैंने लिया था। एंड अभी मैं ब्लश भी सेम अप्लाई करूँगी, मतलब मैंने आईज को भी सेम ब्लश के से किया और ब्लश के लिए भी मैं सेम ले रही। अभी पिंक लिप लाइनर की से मैं लिप लाइन करूँगी। एंड बेबी पिंक लिपस्टिक के लिए ना मैंने ली है शुगर की लिपस्टिक, देख सकते हो ये शुगर की लिपस्टिक है और बहुत ही अच्छी पिंक शेड है, एक लाइट पिंक शेड आप देख सकते हो, स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक 04 शेड है इसका। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल प्रोवाइड करूँगी। एंड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, ये मेरी फेवरेट है, तो ये परफेक्ट जा रही थी ये लुक के साथ। तो सेट करके आप मैं फिनिश कर रही हूँ कुछ इस तरह। तो ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। तो मेरी वैदिक साइन के हिसाब से मुझे मिला था बेबी पिंक कलर, तो मैंने कुछ इस तरह का लुक क्रिएट किया है। आई होप सो गाइस आपको ये लुक पसंद आया होगा, कुछ यूनिक कंसेप्ट मैंने ट्राई की है। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।